आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही के प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। नमस्कार दोस्तों, संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज दूसरा दिन था। चर्चा के पहले दिन भी मोदी संसद से गायब थे और आज भी मोदी संसद से गायब थे, लेकिन आज संसद में राहुल गांधी थे, कल भी थे, लेकिन आज उनके भाषण का दिन था। राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री मोदी की गैर मौजूदगी में गरज रहे थे, बरस रहे थे और वो सारी बातें कह रहे थे जो आज तक प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के लिए संसद के भीतर या संसद के बाहर किसी ने कहने की हिम्मत नहीं जुटाई या कहें जोखिम मोल नहीं लिया। राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री को, उनकी सरकार को सीधे सीधे साफ साफ कहा कि आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो, मणिपुर आप नहीं जा सकते। और मणिपुर का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि मणिपुर के लोगों को मारकर आपने भारत माता की हत्या की। राहुल गांधी जब ये कह रहे थे कि आपने भारत मां की हत्या की है, राहुल गांधी जब ये कह रहे थे कि रावण को राम ने नहीं मारा, रावण को उसके अहंकार ने मारा, राहुल गांधी जब ये कह रहे थे कि आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो, राहुल गांधी ये कह रहे थे कि आपने हमारी भारत माता की हत्या की है, राहुल गांधी जब ये कह रहे थे आप देशद्रोही हो, राहुल गांधी ये जब कह रहे थे आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप सोच सकते हैं सामने बैठे सत्ता पक्ष के सांसदों और मंत्रियों पर क्या गुजर रही होगी, शोर शराबा हंगामा। क्योंकि उस पार्टी के सांसदों को, मंत्रियों को कोई अगर कह दे संसद में जो लाइव जा रहा हो कि आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशभक्त नहीं हो, आपने मणिपुर में हमारी भारत माता की हत्या की, आप सोच सकते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पार्टी के नेता और उनकी सरकार ये मानती है कि जो बीजेपी के साथ है वही देशभक्त है, जो बीजेपी से अलग है वो देशद्रोही है। अगर उस संसद में राहुल गांधी 140 दिन बाद आकर ये कहें कि आप मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए तो बीजेपी की नाराजगी वाजिब है। बौखलाहट, तिलबिलाहट, सब कुछ, कैमरे में शोर शराबा। और राहुल गांधी आज उस संसद में गरज रहे थे, उस संसद में प्रधानमंत्री मोदी पर इतनी बड़ी बात कह रहे थे, इतने बड़े आरोप लगा रहे थे, जिस संसद से राहुल गांधी को 140 दिन पहले बाहर का रास्ता दिखाया गया था, एक पूरी पटकथा लिखी गई थी, एक गुजरात के छोटे मोदी और एक दिल्ली में बड़े मोदी। उस पटकथा के साथ राहुल गांधी बाहर गए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ राहुल गांधी संसद में थे, संसद के उसी फ्लोर से, उसी सदन से, उसी हाउस से राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी घेराबंदी कर रहे थे जो आज तक किसी ने नहीं की। हालांकि यह अलग बात है कि अगले 48 घंटे, 72 घंटे या एक सप्ताह में यह पता चलेगा जो राहुल गांधी ने नए किस्म की नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है, उस पिच पर बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश की है जो पिच बीजेपी ने 9 सालों में इस देश में तैयार की है कि हम ही सिर्फ देशभक्त हैं, हम ही सिर्फ देश प्रेमी हैं, बाकी सब देशद्रोही हैं। उस पिच पर अगर राहुल गांधी इतने संगीन आरोप लगाते हुए अगर बीजेपी को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जनता इसको इसी रूप में लेगी? ये देखने का वक्त होगा। बीजेपी इसका कैसे जवाब देती है ये भी देखना होगा। लेकिन राहुल गांधी जब ये सब बोल रहे थे, एक दिलचस्प बात और थी, कैमरे के फ्रेम से राहुल गांधी आउट थे, कैमरा स्पीकर पर था, राहुल गांधी की आवाज गूंज रही थी, भारत की हत्या की है, आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही के प्रधानमंत्री। अब ये आप देख पा रहे हैं, इसलिए मैंने लिख दिया राहुल की आवाज राहुल गांधी की है, आरोप राहुल गांधी के हैं, इतनी बड़ी बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा सकते, आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, और कैमरे का लेंस राहुल गांधी को फ्रेम से बाहर रख रहा था,
स्पीकर पर कैमरा था, कहीं से कुछ तय हुआ होगा कि जब ऐसी बात बोलें तो राहुल गांधी को फ्रेम में नहीं लाना है। और ये विपक्ष के नेता लगातार आरोप लगाते भी रहते हैं, क्या राहुल गांधी की ऐसी बात जो कही ये संसद की कार्यवाही से बाहर निकलेगा, अभी पता नहीं। अगर नहीं निकलेगा तो ये कैसे फ्रेम से आउट हुए, ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये राहुल गांधी की आवाज तो गूंज रही है। भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। भारत, ये बहुत बड़ी बात राहुल गांधी ने कहा कि जब तक आप हिंसा को नहीं रोकोगे तब तक आप हमारी मां की हत्या कर रहे हो। यह भी हुआ कि स्पीकर ओम बिरला ने, जब राहुल गांधी इस तरह से बोल रहे थे, स्पीकर ओम बिरला ने कहा भारत माता हमारी मां है, सदन में बोलते वक्त मर्यादा का ख्याल रखें। इस पर राहुल बोले, मैं अपनी मां की बात कर रहा हूं, आपने मणिपुर में मेरी मां की हत्या की है, यहां एक मां बैठी है, दूसरे की हत्या आपने की, एक मां मतलब सोनिया गांधी वहां बैठी थी। और उसके बाद उन्होंने यही कहा जो आपने वीडियो में सुना। आगे मैं राहुल के भाषण का ये अंश, जिस अंश पर बीजेपी के मंत्री और सांसद सबसे अधिक बौखलाए, सबसे अधिक एतराज जताया, वो आगे आपको वीडियो में सुनाता हूं। लेकिन ये बात तो है जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, कैमरा वहां से राहुल गांधी के चेहरे से गायब क्यों था, फ्रेम से उन्हें आउट क्यों किया गया। अब ये भी खबर आ रही है कि कुछ शिकायत राहुल गांधी के खिलाफ की गई है, बीजेपी को एतराज है ही कि आपने क्यों भारत माता की हत्या की बात की। उसको राहुल गांधी ने अपने ढंग से जस्टिफाई किया, क्योंकि मणिपुर की स्थिति पर, मणिपुर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी न जाना, प्रधानमंत्री का मणिपुर को लेकर लगातार मौन रहना, और आखिर बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री मणिपुर पर मुंह खोले, कांग्रेस का कहना इसलिए तो हम अविश्वास प्रस्ताव लाए। अब जरा सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा विस्तार से, आप खुद तय करिए। और मैंने जैसा कि कहा, आने वाले कुछ दिन में पता चलेगा कि राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ अगर इतनी बड़ी बात बोली, प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे इतने बड़े आरोप लगाए और उस पिच पर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, तो इसका असर क्या होता है, क्या बीजेपी कहती है और क्या कांग्रेस का काउंटर है, यह आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा, जिस पर पूरी बीजेपी सत्ता पक्ष बौखला गया। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है, उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एप्रेट प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। एक मिनट बैठिए आप प्लीज बैठिए। आप बोल रहे, फिर आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज मानी सुनिए, प्लीज प्लीज मानी सुनिए, प्लीज। देखिए माननीय सदस्यगण, प्लीज प्लीज
माननीय सदस्यगण, भारत महामारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में, एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। किसकी आवाज सुनते हैं? किसकी आवाज सुनते हैं? माननीय सदस्य, इसलिए सुनते हैं। नो, एक गलत तरीका। माननीय सदस्य, देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है, देख लीजिए। आप ये पहले आप गलत तरीका आपका, माननीय सदस्य आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए। आप बात करिए लेकिन इस तरीके से पोस्ट में लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप सही अमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो। पूरे देश को आप जलाने में लगे हो, आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर।